नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारा व्हाट्सएप के साथ साथ अब टेलीग्राम पे भी ग्रुप बन चुका है, तो जो लोग सीटैट, टैट या फिर लिखित परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो जो लोग टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, वो जल्दी से जल्दी हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर मैंने प्रश्नों को सीधे सीधे लिया हुआ है सिर्फ आपको पॉइंट वाइज बताने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थि यानी शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो स्टेपीज जो होती है वो आपकी शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये मध्य कर्ण में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? तो आपकी सबसे लंबी पेशी जो होगी सर्टोरियास, ये आपकी सबसे लंबी पेशी है। उसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? यानी शरीर के किस भाग में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? तो वो होती है यकृत में। आगे बढ़ते हैं हम अपने और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो वो होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो आपके दांत में पाया जाने वाला एनामल आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है, यानी कि शरीर का सबसे कठोर भाग आपके दांत का एनामल होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? यानी आपके शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटिड ग्रंथि आपके शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी WBC यानी सबसे छोटी अगर वाइट ब्लड कॉर्पसल आपसे पूछी जाए तो वो सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है सबसे बड़ी WBC, तो वो है आपकी मोनोसाइट। ये क्वेश्चन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो एनमीफीरियर, ये आपकी सबसे बड़ी शिरा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBCs का जीवन काल कितना होता है? RBCs का जीवन काल 120 दिन होता है, यानी कोई एक RBC 120 दिन तक जीवित रह सकती है। रुधिर का थक्का बनाने का समय क्या होता है? यानी रुधिर का थक्का बनने में 2 से 5 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन DNA से संबंधित खोज के लिए मिला था। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो भी DNA के टेस्ट के लिए, तो आपका आंसर होगा हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राइबोसोम को क्या कहते हैं, अन्य किस नाम से जानते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, या फिर आप कह सकते हैं कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े है। यानी कि अगर आपके ऑप्शन में 23 जोड़े आता है तो आप उसे टिक करेंगे, और अगर आपसे पूछा जाता है 46, 42, 44 के फॉर्म में, तो आप इसमें 46 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक का टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का pH मान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर के रक्त का, ब्लड का pH मान, उसकी pH वैल्यू 7.4 होती है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC का निर्माण कहां पर होता है? तो RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो आपकी जांघ की हड्डी यानी कि फीमर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स या स्टेपीज, और ये कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं, यानी कि अगर टोटल आपसे पूछी जाए तो 24 पसलियाँ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, RBC यानी कि लाल रक्त कण की कब्रगाह है किसको कहा जाता है, तो यकृत और प्लीहा को RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है, यानी विटामिन के की हेल्प से ही रक्त का थक्का बनता है। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप और RH तत्व यानी कि RH फैक्टर की खोज किसने की, तो इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए यह सर्वग्रहता कहलाता है, यानी कि जो जिसका भी AB रक्त ग्रुप होता है यानी AB ब्लड ग्रुप जिसका भी होता है वो किसी भी व्यक्ति का ब्लड ले सकता है, यानी उसकी बॉडी में किसी भी व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, इसीलिए जो AB वाले होते हैं उनको सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से जो ओ ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं उनके ब्लड में एंटीजन नहीं होता है, जैसे कि AB रक्त समूह के लोगों में एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, उसी तरीके से जो ओ ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं उनमें एंटीजन नहीं होता है, और उनमें एंटीजन ना होने के कारण ही उनको सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है, तो मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार यानी 72 टाइम्स धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब है वो कितना होता है, तो 120/80 आपका जो रक्तदाब होता है वो स्वस्थ मनुष्य का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसमें यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, एलिसा प्रणाली यानी कि जो एलिसा टेस्ट है उससे एड्स नामक बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ये दोनों फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में जाके अपने आंसर में देने हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि टिटनेस जो होता है उससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होता है, यानी कि एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है या कहां पर होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो ये मस्तिष्क में होती है। यहाँ आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद आपकी की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है यानी पिट्यूटरी ग्रंथि वो कहाँ पाई जाती है, तो वो मस्तिष्क में पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। आगे बढ़ते हैं हम अपने और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की, तो बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जहां पर आपसे लाइट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान किया जाता है, तो नेत्रदान में यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी आइज को डोनेट करता है किसी दूसरे इंसान को देता है, तो उस समय उसकी पूरी आँख नहीं दी जाती है, सिर्फ आँख का जो कॉर्निया होता है सिर्फ उसको ही दूसरे व्यक्ति में दिया जाता है, लगाया जाता है।
जिससे वो देख सकता है। तो नेत्रदान में आँख के कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। तो इसमें अगर आपके ऑप्शंस आते हैं तो आप इसमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, किडनी में वोमन कैप्सूल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोसिस बीमारी किसको प्रभावित करती है, यानी बॉडी के किस पार्ट को प्रभावित करती है। तो जो सिरोसिस बीमारी है वो बॉडी को यानी कि लीवर को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। और एपिनेफ्रीन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये नेम्स थोड़े से कठिन हैं तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1-2 साल का बच्चा है तो उसके आहार में हमें सबसे ज़्यादा क्या शामिल करना चाहिए, तो 1-2 साल के बच्चे के आहार में हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन को शामिल करना चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसके खाने में होना चाहिए। नेक्स्ट है, पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज होता है। यानी कि हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज कौन सा है, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अग्न्याशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है। आगे बढ़ते हैं, हम अपने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। रक्तल्पता आमतौर पर किसके कारण होती है, तो रक्तल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण यानी शुगर के कारण होती है। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। सर्वदाता रक्त समूह ओ, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है, तो आरएच फैक्टर आपका ब्लड से रिलेटेड है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं विनर। रक्त को कौन शुद्ध करता है, तो वृक्क यानी कि जो किडनी होती है हमारी, वो हमारे ब्लड को शुद्ध करती है, प्योर करती है। वृक्क का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम यानी 150 ग्राम। वृक्क का भार 150 ग्राम होता है। रक्त किस प्रकार का विलयन है, रक्त एक क्षारीय विलयन है। आगे, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है, तो पेसमेकर जो है वो हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो वो शिरा कहलाती है। यानी कि हमारे शरीर से हृदय की ओर जो रक्त को ले जाती है वो शिरा होती है। तो हमारे शरीर से जो गंदा ब्लड होता है उसको वो हमारे हार्ट तक ले जाती है, और हमारा जो हार्ट होता है वो उस ब्लड को प्योर करके हमारी पूरी बॉडी में भेजता है, और इसको भेजने का काम करती है धमनी। यानी कि हृदय से जो रक्त शुद्ध किया जाता है, उस शुद्ध रक्त को शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी आपकी धमनी कहलाती है। नेक्स्ट है आपका जरावेक 7 है, तो जरावेक 7 आपका कृत्रिम हृदय का नाम है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया है और स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं, तो आप ये नाम अच्छे से याद कर लें कि ये एक कृत्रिम हृदय का नाम है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को शामिल हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आप जितनी देर करेंगे उतना ही आपका लॉस होगा, आपका डिस्कशन छूटता चला जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।